हेलो बच्चे, हेलो पेरेंट्स। तो आज हम लोग एफ़ एक्टिविटी के बारे में देखेंगे। एफ़ एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी एफ़ से जो चीज़ें आती हैं वो भी देखेंगे। तो एफ़ का जो उच्चार होता है वो होता है फ, जैसे फ फॉर फिश, फ फॉर फ्रॉक, फ फॉर फैन, फ फॉर बहुत सारी चीज़ें आती है, फ फॉर फॉक्स। तो ये एफ़ का जो उच्चार है वो है फ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये एफ़ बना कैसे है। अभी हम लोग देखेंगे एफ अल्फ़ाबेट का इंट्रोडक्शन। तो पहले हम लोग देखेंगे ये एफ अल्फ़ाबेट बनता कैसे है, और एफ अल्फ़ाबेट का जो साउंड है वो है फ। तो पहले हम लोग देखेंगे एफ अल्फ़ाबेट बनता कैसे। तो पहले हमें क्या करना है, ये देखिए, ये है हमारी सीधी लाइन, ये है सीधी लाइन, और फिर ये एक सीधी लाइन है, और ये आपको टेढ़ी लाइन निकालनी है, स्लीपिंग लाइन निकालनी है, ये बड़ी वाली, और ये छोटी वाली। तो ये क्या बना है, एफ। पहले हम लोग ने क्या किया, एफ कैसे बनता है हम लोग देखेंगे। पहले ये सीधी लाइन मतलब स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लीपिंग लाइन मतलब आड़ी लाइन, ये बड़ी वाली आड़ी लाइन पहली वाली, और ये दूसरी छोटी वाली आड़ी लाइन। तो ये क्या बना है, हमारा F बना है, और F का जो उच्चार है वो F से आता है। F का जो उच्चार है वो F से आता है, जैसे F से फिश, F से फैन, फिर फ्रॉक। तो ये क्या उच्चार आ गया, इसका F आ गया। तो ये क्या है, F अल्फाबेट। थैंक यू। तो F से क्या आता है, फ्रॉक। तो ये फ्रॉक जो है वो ज़्यादा करके वो लड़कियाँ पहनती है, और इसमें बहुत अलग अलग तरीके के फ्रॉक्स रहते हैं, जैसे स्लीवलेस रहते हैं, फुल स्लीव्स के रहते हैं, मतलब बड़े हाथ के रहते हैं, छोटे हाथ के रहते हैं, बिना हाथ के फ्रॉक रहता है, और ये कलर्स भी अलग अलग आते हैं। छोटे बच्चों के लिए फ्रॉक रहते हैं, बड़े बच्चों के लिए छोटे गर्ल्स के लिए फ्रॉक रहते हैं, बड़े गर्ल्स के लिए फ्रॉक रहते हैं। तो अलग अलग इस पर वो फ्रॉक रहता है। तो ये क्या है, एफ फॉर फ्रॉक। अगला एफ शब्द है फैन। फ़ैन जो रहता है वो दो तरह के रहते हैं, एक तो टेबल फ़ैन रहता है और ऊपर सीलिंग फ़ैन भी रहता है, और ये फ़ैन हमें हवा देता है, जब बहुत ही गर्म होता है तब हम लोग उसको लगाते हैं। और उसके तीन, अगर आपने देखा तो सीलिंग फ़ैन के जो फ़ैन का जो रहता है या फिर टेबल फ़ैन के तीन ब्लेड के जैसे रहते हैं, ऐसे अगर आपने देखा, जिसके वजह से वो हमें हवा मिलती है, और ये अलग अलग कलर्स में रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फ़ैन बोलते हैं, एफ फैन। तो अगला एफ वर्ड से जो शब्द है वो है फिश। फिश जो रहता है वो ज़्यादा करके वो पानी में रहते हैं, अगर वो पानी से बाहर निकले तो वो मर जाते हैं। फिश हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग उसका तेल भी निकालते हैं। फिश बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं, बड़े फिशेज रहते हैं, छोटे फिशेज रहते हैं, और ये छोटे फिशेज पानी के अंदर, तालाब के पानी में रहते हैं, समुंदर के पानी में रहते हैं, छोटे छोटे जो नदी रहते हैं उनके पानी में रहते हैं, जो हमारे वेल्स रहते हैं उनके पानी में रहते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एफ फॉर फिश। इसको हम लोग अलग अलग तल के खाते हैं, या फिर सिर्फ हम लोग उसको ऊपर से गरम करके भी खा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने फिश को देखा तो पीछे उनके टेल रहती है, और वो फिन्स करके रहते हैं, और मुंह रहता है उनका। तो ये क्या है, एफ फॉर फिश। तो अगला हमारा एफ शब्द है वो है फ्लैग है। फ्लैग जो रहते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग फ्लैग रहते हैं, एफ फॉर फ्लैग। अलग अलग देशों के अलग अलग फ्लैग रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया का जो फ्लैग है वो तीन कलर में आता है। फर्स्ट कलर है ऑरेंज, बीच में है वाइट, और नीचे है ग्रीन कलर, और बीच में अशोका चक्र है। तो ये बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग देशों के फ्लैग रहते हैं, अलग अलग कलर के फ्लैग रहते हैं। तो इसको हमेशा हमें फ्लैग को हमेशा रिस्पेक्ट करने, ना ही उसको फाड़ना है, ना ही नीचे गिराना है, ना ही इधर उधर ऐसी गंदी जगह पर रखना है। तो ये क्या है, एफ फॉर फ्लैग। इसे हम लोग झंडा भी कहते हैं। अगला एफ से वर्ड है वो है फेस। अब ये जो फेस होता है वो हमारा दो तरीके, एक लड़का के लड़के लड़की का अलग अलग फेस रहते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें इसमें अलग अलग फेसेस रहते हैं, जैसे लड़कियों के अलग रहते हैं, लड़कों के अलग रहते हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं सबके फेसेस अलग हैं। लेकिन उन फेसेस में कॉमन चीज़ें क्या है, दो आँखें, एक नाक, जो मुँह है वो, और दो जो कान रहते हैं वो, ऊपर का सर, उसके बाल, ये सब कॉमन चीज़ें रहते हैं। लेकिन हम लोग बहुत अलग अलग, हमारे फेसेस बहुत ही अलग अलग दिखते है। तो ये क्या है, हमारा फेस।
फेस है, फेस हम लोग को जो पूरा फेस है, फेस के ऊपर जो कान रहते हैं, नाक रहता है, वो हमारा जो मुंह रहता है वो बात करने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए मदद करते हैं। तो क्या है ये? एफ फॉर फेस। तो अभी हम लोग मैं तीन आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, तो उसके आपको जवाब आपको व्हाट्सएप पे देने हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आज इस वीडियो में आपने एफ शब्द से कितने शब्द सुने, एफ शब्द से कितने शब्द सुने, 5, 3 या 1, 5, 3 या 1। इसमें जो लड़कियां पहनते हैं वो एफ़ से क्या लिया है, जो लड़कियां पहनते हैं वो एफ़ से क्या लिया है, फ्रॉक, टी शर्ट या पैंट, फ्रॉक, टी शर्ट या पैंट। और मेरा आखिरी सवाल है कि फिश जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, पानी में, पानी के बाहर या हवा में, पानी में, पानी के बाहर या हवा में।